हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आपको अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी अल्लाह ताला ने बख्शा था। आप कोहे तूर पर अल्लाह से हम कलाम होते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि आपको रास्ते में एक औरत मिली। वो जारो जार रो रही थी। आपने उससे रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप अल्लाह ताला से पूछ कर बताएं क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद भी है या नहीं। औरतें मुझे बांझ होने का ताना देती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया, उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वो औरत बहुत रोई तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो। उस औरत ने जब फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा, तू मुझे जितनी रोटियां भी देगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे देगा। उस औरत ने उस फकीर को चार रोटियां पका कर दी। अल्लाह के फजल से उसके चार बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे चार बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और अल्लाह से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने तो कहा था कि उस औरत के हाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो चार बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, ऐ मूसा, हम तुम्हारे सवालों का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त ला कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। अब आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी ना हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने आया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बताया कि अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त की मंगवाई है, मगर कोई भी देने को राजी नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर ले जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह को दे दी। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसी के कहने पर उस औरत को चार बेटे दिए हैं। ऐ मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं इसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ।